जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube परिवार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं SSC GD 2024 की जो आपके रिटर्न एग्ज़ाम हुए हैं, उस रिटर्न एग्ज़ाम के आंसर की कब तक आएगी इस बारे में। इसी के साथ साथ आपका फाइनल रिजल्ट कब होगा और इस भर्ती में कितना कॉम्पिटिशन होगा, आपके सिलेक्शन के चांस कितने हैं, इसी के साथ साथ आपका फिजिकल कब होगा और आपका आगे जो है वैकेंसी कितना इंक्रीज होगा और आपको उससे क्या फ़ायदा मिलेगा, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, देखिए आपकी आंसर की का, तो आप सभी का जो रिटर्न एग्ज़ाम है SSC GD 2024 का, वो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर अटेम्प्ट किए थे उन सभी का कम्प्लीट हो चुका है। तो अब सभी कैंडिडेट को बस यही इंतज़ार है कि इसका आंसर की कब तक आएगा। तो दोस्तों, आपके मन में जो सवाल है बिल्कुल जायज़ सवाल है और इस बारे में और आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो आंसर की है वो जो डेट था वो लगभग आपका 15 से 17 यानी आज से लेके 2 दिन के अंदर अंदर आपका कभी भी आंसर की रिलीज़ हो सकता है। आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, आपको SSC GD की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको आंसर की चेक करना है। बाकी जितनी भी आपको वेबसाइट मिलेगी या आपको और भी कई सारी लिंक मिलेगी वो सारी फेक लिंक है। तो आपको केवल और केवल SSC GD की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर है उसी पर आपको ट्रस्ट करना है। तो आंसर की दोस्तों, आपका जो डाउट था पहला कि आंसर की कब आएगी, तो आज हो गई 15 मार्च, तो आज के बाद आपकी 2 दिन के अंदर यानी 17 मार्च के अंदर अंदर आपकी आंसर की किसी भी समय जो है रिलीज़ की जा सकती है। अब नेक्स्ट बात होती है कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक डिक्लेयर होगा। तो देखिए, जैसे ही आपका अभी आंसर की रिलीज़ होगा, आप ये मान के चलिए कि आपके पास जो फिजिकल के लिए जो समय बचेगा वो अप्रैल में आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका जून जुलाई में आपकी फिजिकल 100% स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, उससे पहले इसलिए संभावना कम है आपकी फिजिकल शुरू होने के, उससे पहले आपके जो चुनाव है बड़े चुनाव, उसकी में काफ़ी सारी फोर्सेज जो है ड्यूटी में जाती है, तो उसके लिए आपको जो वहाँ पर तैनात होते हैं जो आपको भर्ती प्रक्रिया में, उसमें बहुत सारे जो जवान है वो बिजी होने के कारण आपका जो फिजिकल है वो जून जुलाई में कंडक्ट कराया जाएगा। तो आपके पास रिटर्न एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है उसके बाद आपके पास केवल 1.5 से 2 महीने का समय मिलता है तैयारी करने का फिजिकल का। तो जिन बच्चों का फिजिकल कमज़ोर है, उनको लगता है कि उनका रिटर्न एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो आपको फिजिकल का तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए। तो 5 किलोमीटर का जो रेस होता है दोस्तों, वो होता है आपका मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल के लिए 1600 मीटर का होता है जो कि आपको 8.5 मिनट में, और 5 किलोमीटर का जो कि आपको 24 मिनट में पास करना होता है। तो इसके लिए आपको बहुत बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कीजिएगा, क्योंकि फिजिकल में बहुत सारे लड़के बाहर होते हैं, और इसलिए भी बाहर होते हैं क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं होती। और दूसरी बात, जो आपके फिजिकल होते हैं वो गर्मियों के महीने जैसे जून जुलाई में आएंगे, तो उसमें वैसे भी आपका बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस नहीं होने के कारण बाहर होते हैं। और आपको अगर प्रैक्टिस अभी से अच्छी है, आपका टाइमिंग अच्छा है, तो आप आराम से फिजिकल पास कर लोगे। कई बार ऐसे भी होता है आपका फिजिकल जल्दी भी हो जाएगा, सुबह में भी हो जाएगा, या कुछ बच्चों का जो फिजिकल है थोड़ा सा लेट से भी होता है, जैसे उनका धूप में नंबर आएगा तो उसमें वैसे भी आपका स्टैमिना कम हो जाएगा। तो अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिएगा रनिंग की, तो आपके जो भी आपके मेरिट लगती है दोस्तों, एक तो लगेगी आपकी रिटर्न एग्ज़ाम की जो बच्चे फिजिकल के लिए बुलाएंगे, उसके बाद आपकी फिजिकल जो बच्चे देंगे उनकी एक बार मेरिट लगेगी मेडिकल के लिए, और मेडिकल के लिए जो बच्चे बुलाए जाएंगे उनकी मेडिकल के बाद वो दोस्तों फाइनल मेरिट लगेगी। तो आपकी लगभग 3 मेरिट लगेगी, एक तो रिटर्न एग्ज़ाम की, फिजिकल की और मेडिकल की। तो दोस्तों, बहुत कम समय आपके पास बचा है, तो आप फिजूल जो है अपना समय बर्बाद मत करिए कि हमारा रिजल्ट कब आएगा, आंसर की कब आएगी। आपको पता ही है कि आपका रिज़ल्ट आना ही है, आंसर की आनी है, तो आपको फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब दोस्तों, दूसरा बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी डाउट है कि वैकेंसी बढ़ेगी तो हमको इसका फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए, बिल्कुल वैकेंसी इंक्रीज़ होगी और आपको इसका निश्चित तौर पर फ़ायदा मिलेगा। और दूसरी बात, इस बार कंपटीशन की अगर तुलना करें पिछले साल के मुकाबले, तो इस साल आपका जो कंपटीशन है वो बहुत कम है, क्योंकि पिछली बार एज रियलाइजेशन बंदों को मिला था, इस बार आपका एज रियलाइजेशन नहीं था, तो बहुत कम बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था। और बाकी बात करें आपका नॉर्मलाइजेशन का, तो बहुत जो शिफ्ट थी तो काफ़ी लंबी शिफ्ट चली थी, तो 20 फरवरी से लेकर आपका 7 से 12 मार्च तक के पेपर चले थे, तो इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है। बाकी आंसर की जल्दी आएगा, जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो आपको ज़रूर इस चैनल के माध्यम से सूचित कर दूंगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके जो डाउट थे आंसर की के, रिटर्न एग्ज़ाम के रिजल्ट के, आपका फिजिकल के लिए,
तो ये सारे डाउट आपके अगर क्लियर हो गए होंगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो उसको भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आपको ऐसे ही नई नई वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए दीजिए दोस्तों मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।